नमस्कार, केएनएन मीडिया के साथ में योगेश वत्स। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जवाहरलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में। इस स्कूल का नाम शिक्षा के क्षेत्र में तो आपने सुना ही होगा, और अब ये स्कूल लगातार अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ और सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके माध्यम से नए आयाम स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर चक्रवर्ती शर्मा है, प्रिंसिपल सर हैं, इन तमाम बातों पे इनसे जानेंगे। सर, आप ये बताइए, आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन इस स्कूल के भव्य प्रांगण में किया गया है? आज हमारे गोहाना स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर जो है, जो स्टूडेंट्स के लिए HB टेस्टिंग, ब्लड ग्रुप टेस्टिंग जी, साथ में कोविड सैंपलिंग, और जो आसपास की जो कॉलोनी के जो भी जितने भी नागरिक हैं उनके लिए हमने कोरोना वैक्सीनेशन का भी कैंप लगाया हुआ है। इसके साथ साथ जो भी 6th से 12th स्टैंडर्ड तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने एक तंबाकू निषेध कार्यक्रम के तहत ड्राइंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि जो बच्चों में जो ये ख़ास तौर पर किशोरावस्था में बच्चे जो है अट्रैक्ट होते हैं नशे की तरफ, उस वो एक जो है बुराई का रूप लेती जा रही है, उसको समाज से और जो है उखाड़ने के लिए इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है, ताकि जो तंबाकू का सेवन वो किसी भी रूप में करता है, चाहे कोई उनके पेरेंट्स हैं या आस पड़ोस में जो भी हैं ड्रग अब्यूज करते हैं, उनका जो जागरूकता आए और वो जो है इसका एक जो है सोशल कैंपेन चले। सर, क्या बच्चों की भी सैंपलिंग की गई है यहाँ पे कोविड को लेकर? जी, बच्चों की भी सैंपलिंग की गई है, साथ में उनका HB और ब्लड ग्रुप टेस्ट किया गया है। जिन बच्चों में खून की कमी है, ये जो हमारा प्रोग्राम है HB टेस्टिंग का, ये बेसिकली T3 कैंप के तहत है। इसमें हम टेस्ट, ट्रीट और टॉक तीनों चीज़ें साथ की साथ कर रहे हैं। जिन बच्चों में खून की कमी मिल रही है वो राष्ट्रीय अनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम है कि भाई बच्चों में ख़ास तौर पे और जो गर्भावस्था की जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और माताएं हैं, उनमें जो खून की कमी देखने को मिली है उसको जो है दूर करने के लिए जो एक ये एक अनीमिया भारत मुक्त अभियान चलाया गया। इसके तहत T3 कैंप के आयोजन चल रहे हैं। इसमें हम जो है बेनिफिशरीज के जो है टेस्टिंग करते हैं, और फिर उसको जिसमें भी खून की कमी मिलती है उसको हम हेल्थी डाइट के लिए जो एडवाइज करते हैं, सजेशन देते हैं। साथ में मौके पर उनको जिनको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, जो खून को बढ़ाने वाली जो भी दवाइयां हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं। सर, मैं बात करूं डेल्टा वेरिएंट की, तो डेल्टा वेरिएंट से अभी हम लोग लड़ ही रहे थे कि ओमिक्रॉन नाम का भी वेरिएंट आ गया है। आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेषकर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बहुत प्रभावित हुई है डेल्टा वेरिएंट से भी, और फिलहाल जो बंदिशें हैं लोगों के ऊपर ओमिक्रॉन को लेकर सरकारें लगाने लगी हैं, आप लोगों को बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आम जन को इसके प्रति कैसे सचेत रहा जाए? जी, जैसा कि आपको भी पता है, सरकार के आदेशानुसार 3 जनवरी से जो है 15 से 18 जो एज ग्रुप है उसकी हम वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पे देखा गया कि जो न्यू वेरिएंट है उसका जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली है उस पर थोड़ा ज़्यादा प्रभाव है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने भी ये गाइडलाइन दी है कि 15 से 18 साल के जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके साथ साथ मेरी सभी जो है ख़ास तौर पे जो यंग एज ग्रुप है, अडल्ट ग्रुप है, उनको मेरी सलाह है कि वो इस महामारी को जो है हल्के में ना लें। जितने भी जो कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर हैं, ख़ास तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग, और सबसे ज़रूरी जो मेरा मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि भाई अगर आप जब भी कुछ खाना खाते हैं या कुछ भी खाने की चीज़ लेते हैं उससे पहले मेक इंश्योर कि आपके हैंड वॉश हों जी, ये सबसे ज़रूरी है, ताकि इस महामारी इसको जो है से बचाव रहे, आमजन का राहत रहे। बहुत बहुत आभार सर। इसी के साथ डॉक्टर सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, ये आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए, आपने बच्चों के लिए पोस्टर मेकिंग का, ड्राइंग कंपटीशन का भी आयोजन किया है, क्या मानते हैं ये सारी की सारी जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं या जो गतिविधियां करवाई जाती हैं वो बच्चे के सर्वांगीण विकास में कितनी सहायक होती हैं? सर, देखो जी, शिक्षा के साथ साथ सामाजिक दायित्व बनता है, और इसमें सबसे अहम भूमिका जो होती है वो बच्चों की होती है। बच्चे अपने पेरेंट्स को जितना अवेयर कर सकते हैं उनसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि माँ बाप का जो प्यार है वो अपने बच्चों से होता है। और जब धूम्रपान इतना ख़तरनाक है, सेहत के लिए इतना हानिकारक है, अगर बच्चे अपने माता पिता को मैसेज देते हैं तो वो तुरंत मानेंगे, अपने बच्चों की सभी सुनते हैं। इसलिए बच्चे इस प्रतियोगिता से इनका सर्वांगीण विकास होता है, और वो अपने माता पिता का और समाज में फैली कुरीति कहेंगे हम इसको, इस धूम्रपान को रोकने में सक्षम रहेंगे।
सर, धूम्रपान के साथ यदि मैं बात करूं, इसके अलावा जो अभी फ़िलहाल में ओमिक्रोन आ गया है, डेल्टा ने भी बहुत तबाही मचाई है, और मैं स्कूलों की बात करूं तो मोस्टली बंद ही रहे हैं, अब दोबारा फिर से खतरा मंडराने लगा है। आप अपने स्कूल में कौन कौन सी हिदायतें हैं जो बरत रहे हैं, क्या मानते हैं? देखो जी, ओमिक्रोन के लेकर के जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी जाएंगी उनका स्कूल बहुत अच्छे से पालन करेगा। इससे पूर्व भी स्कूलों ने बहुत अच्छे से पालन किया है, और ऐसा भी रहा है कि अब तक के वेरिएंट पहला है, दूसरा या जो भी आएगा ओमिक्रोन आ रहा है, उसमें बच्चों का अब तक कहीं भी देखा गया तो कहीं प्रभावित नहीं हुए हैं, और बच्चे सुरक्षित रहते हैं, और स्कूल इनको पूर्ण हिदायत देता रहता है कि जो भी नियम हैं उनका पालन करते रहेंगे। स्टाफ भी वैक्सीनेट हो चुका है, और उस विद्यालय द्वारा भी गोहाना नागरिक अस्पताल के साथ सहयोग करके यहाँ गोहाना में लगभग 70 कैंप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, जिसमें वैक्सीनेशन पहली और दूसरी डोज, आज भी यही श्रृंखला आगे बढ़ी हुई है, और जब हम सुरक्षित होंगे तभी समाज सुरक्षित होगा। इस अभियान में विद्यालय अपना अहम योगदान दे भी रहा है। आज कितने सभी बच्चों की सैंपलिंग की गई है यहाँ पे? हाँ, सभी बच्चों की सैंपलिंग अभी चली रही है, और उद्देश्य यह है कि सभी की सैंपलिंग पूरी की जाए, जिसमें ऐसा कोई भी बच्चा मिलता है कि जिसको लक्षण है, और उसके प्रति जो भी कदम उठाए जाएंगे उसके लिए स्कूल भी तैयार है और सरकार तो तैयार ही है। सर देखिए, इस महामारी के दौरान हमने देखा है कि वैक्सीन आई हो या महामारी हो, उसको लेके ग्रामीण स्तर पे बहुत सारी कुरी जो अलग भावना है। वैक्सीन आई तो कहा गया कि नहीं, ये तो लोगों को और तरह से असर करेगी, ये कोरोना के लिए नहीं है, सरकार मूर्ख बना रही है। कोरोना को लेकर भी तरह तरह की जो भ्रांतियां हैं समाज में वो चलती रहती हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप क्या मानते हैं, इन भ्रांतियों को कैसे दूर किया जाना चाहिए, और साथ में एक शिक्षक, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आप अध्यापक हैं और आप विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, जिस तरह से आपके विद्यार्थी समाज में जाकर के इन भ्रांतियों को दूर करेंगे और एक सच्चा शिक्षित समाज का निर्माण करेंगे, आप क्या मानते हैं, आपके कंधों पर ये जो जिम्मेदारी है आप इसको कैसे देखते हैं? देखो जी, केवल मेरी ही जिम्मेदारी नहीं, पूरे भारतवर्ष में या हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई ऐसी महामारी आती है उसके लिए सभी को अलर्ट रहना चाहिए, और जो संदेश सही है सही रूप में लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमारे NSS वॉलंटियर्स ने, यहाँ NSS की दो यूनिट है, दोनों यूनिट के 200 बच्चों ने घर घर जा करके पेरेंट्स को, अभिभावकों को और आम जनता को अवेयर किया है कि ये बीमारी जो है बहुत बड़ी है, और इसका हम सब मिल करके तभी सामना कर पाएंगे जब पूर्ण हिदायतों का पालन करेंगे। तो सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि व्यर्थ की मिथ्या बातों में ना आकर के बीमारी को समझे, और 100% जो है ना वैक्सीनेशन सभी को होना चाहिए। बहुत बहुत आभार सर। गोहाना से कैमरा पर्सन नमन के साथ योगेश वत्स, K9 मीडिया गोहाना। हमारे साथ इस स्कूल के MD सुनील शर्मा सर भी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। ये K9 मीडिया का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो कवरेज के लिए, ये जो एक सामूहिक कार्य हो रहा है और इसकी कवरेज के लिए जो आप आए, तो धन्यवाद। और आपके सभी व्यूअर्स को आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएँ, और इसी आशा और उम्मीद की नया साल हम सब के लिए कोरोना मुक्त और भय मुक्त वातावरण लेके आएगा। सर शुरुआत करते हैं, आपने पोस्टर मेकिंग का किया है, आप क्या मानते हैं, जिस तरह से आज का युवा वर्ग, मैं देखता हूँ 16-17 साल की उम्र में बच्चे नशे के आदि हो जाते हैं, और उसके बाद से लगातार उनकी पूरी जवानी इसी में बीत जाती है, ना वो देश का भविष्य के बारे में सोच पाते हैं, और जिस तरह वो एक सर्कल में घिर कर रह जाते हैं, आप क्या मानते हैं इस तरह की प्रतियोगिताएँ उन्हें कितना सचेत कर पाएंगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि भवन वही मजबूत होता है जिसकी नींव मजबूत हो। हमारे ये बच्चे न्यू हैं, और ये 14-15-16-17 साल के बच्चे जो होते हैं, ये अगर इनको पोस्टर मेकिंग कंपटीशन और इन प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से किसी बुराई के बारे में जागरूक किया जाए, तो भाषण की बजाय ये जो एक्टिविटी होती हैं ये ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हैं। तो आज का जो ये कार्यक्रम है जिसमें बच्चों को पोस्टर मेकिंग के माध्यम से वे इस चीज़ को एक अपने कैनवस में उतार कर देखेंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है, और मेरे ख्याल से बच्चों के माइंड में एक पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा इसका। और जब सर जिस तरह से वैक्सीन स्कूल में लगाई जा रही हैं, वैक्सीन का काम अगर मैं देखूं तो ये किसी भी एक तरह से समाज सेवा से कम नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? बच्चों के अंदर समाज सेवा के जो लक्षण हैं वो आप विकसित कर रहे हैं इस समाज सेवा के माध्यम से, आपके NSS के जो वॉलंटियर हैं वो भी हम देखते हैं शहरों में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो मतलब शिक्षित करने के साथ साथ बच्चों में सामूहिक जो चेतना है, समाज के प्रति जो जागरूकता लाने का भाव है वो भी आप पैदा कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए एक विद्यार्थी
विद्यार्थी के अंदर ये लक्षण कितने ज़रूरी हैं? ये लक्षण बहुत ही ज़रूरी हैं। वास्तव में आप जितने भी आज ये क्राउड देख रहे हैं जो वैक्सीन के लिए है, ये सभी के सभी पेरेंट्स हैं बच्चों के, और बच्चों ने घर जाकर अपने पेरेंट्स को समझाया है कि अब डबल वैक्सीन जो है ये होनी कंपलसरी हो गई है। और जब बच्चे अपने माता पिता को जिम्मेवारी समझाते हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये भी एक जिम्मेवार नागरिक बनेंगे। जिम्मेवार नागरिक आप लोग बनाने की बात करते हैं, कोरोना के कारण जो शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ी थी वो एक बार फिर से शुरू हो गई, हालांकि ऑनलाइन लर्निंग का प्रोसेस चला था, लेकिन आमतौर पे जो अभिभावकों की फीडबैक हमारे पास आती थी वो कहते थे ऑनलाइन से इतना नहीं होता है, लेकिन अभी ऑफलाइन हो चुके हैं, कितना मानते हैं अब जो स्कूल है वो स्तर पर खड़ा है? और 10वीं 12वीं के आपको पता है एग्ज़ाम होने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, और हर बार जेएलएन स्कूल जो है सबसे आगे ही आगे की कतार में मुझे खड़ा दिखाई देता है, जहाँ तक मेरा सवाल है। आप क्या मानते हैं कोरोना काल के दौरान जो बच्चों का हरासमेंट हुआ है, क्या इस बार इस सेशन में भी बच्चे वैसे जो अपनी प्रतिभा है उसको दिखा पाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं जितना भी अब समय मिला है, और चाहे CBSE है चाहे HBSE है, सब ने अपने अपने सिलेबस जो हैं उनमें से कुछ पार्ट जो है वो काट दिया है, और जो बचे हुआ सिलेबस है उसको बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार कोरोना जो समय से पहले जो सरकार अवेयर हो गई है, मुझे लगता है कि अब की बार कोरोना की कोई ऐसी लहर नहीं आएगी, और बच्चों की परीक्षा भी होंगी अच्छी तरीके से, और बच्चे फिर उसमें अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर भी मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।